पिछले साल की बात है, एक दोस्त गोल पार्क मॉडल टाउन गुजरांवाला से शॉपिंग कर रहे थे। उनकी बेटी का फ़ोन आया कि अब्बू, आपके दामाद ने मुझे फारिग कर दिया, अलीहदगी दे दी, फौरन आए और मुझे ले जाएं। बेटी की ये बात सुनकर वो दोस्त बाइक दौड़ाता घर वापस चला। इन्हीं सोचों में गुम होगा कि रास्ते में चलती बाइक पर हार्ट अटैक हुआ, बिजली के पोल से टकराया और वहीं सड़क पर जान दे दी। बज़ाहिर ये बात इतनी सी है कि हार्ट अटैक हुआ और वो बंदा फोत हो गया। वक्त मुकर्रर था, लेकिन नहीं, मैं नहीं मानता। कोई बात तो थी जो एक अच्छे भले सेहतमंद आदमी की अचानक मौत का बाइस बनी। इसमें कहीं ना कहीं तो इंसानी गलती भी अपना हिस्सा डाला होगा। अलीहदगी के कुछ दिन बाद बच्ची से मिला और पूछा कि बीबी, तीन बच्चों के साथ खाविन ने जो तुम्हें छोड़ दिया, क्या बात हुई थी? तुम्हारा फर्स्ट कज़न भी तो था। इस बेटी ने जो भी वजह बताई, मुझे समझ नहीं आई। इल्ज़ामात की एक लंबी फहरिस्त थी, लेकिन वो साहबजादी मुझे कहीं भी ये ना बता सकी कि मामलात की बेहतरी के लिए खुद उसने क्या किया। एक बात मैं बतौर ख़ास नोट की कि मोहतरमा के हाथ में 1.5 लाख वाला आईफोन था। मरहूम दोस्त मेरे रिश्तेदार भी थे। इनका साबका दामाद आला तालीम याफ्ता और एक मोहतरम इदारे में स्कूल टीचर है। चंद दिनों बाद मैं बतौर ख़ास उससे मिलने गया। पूछा कि जवान, तुम जो इतनी इंतहा पर पहुँचे, अपने बच्चे तक छोड़ दिए, क्या तुम्हें बच्चे प्यारे ना थे? हुआ क्या था, किस बात ने तुम्हें इतना मजबूर किया? वो बोला कि सर, मेरी 2 सालियाँ हैं, दोनों इंतहाई अमीर घरों में ब्याही हुई, कोठियों, कारों और नौकर चाकरों वाली। जब भी मेरी बीवी अपनी बहनों को मिलकर आती, मेरे घर झगड़ा शुरू हो जाता। मुझे बात बात पर गरीबी के ताने मिलते। मैं 40,000 महाना का मुलाजिम हूँ। जितना कर सकता था इंतहाई हद तक किया, लेकिन अब बात बर्दाश्त से बाहर थी। उसने मज़ीद कहा कि मुझे अपनी बीवी से बहुत प्यार था। मेरे पास 3,000 वाला मोबाइल है, बेगम को मैंने आईफोन लेकर दिया। फिर कार का मुतालबा हुआ, मैंने बैंक लोन से कार लेकर दी। पुराना फ्रिज बेचकर किस्तों पर फुल साइज़ का नया फ्रिज लिया। फिर एसी का मुतालबा किया, वो भी लेकर दिया। इसके बावजूद ताने ही ताने, मैं अपनी नज़र में ही हकीर बन चुका था। अलीहदगी वाले माह बिजली का बिल 30,000 आ गया। 40,000 कुल तनख्वाह में मैं क्या करता? 10,000 तो सिर्फ महाना दूध का बिल बनता है, ऊपर से बेगम की फजूल बातें। मैं पहले ही बेगम की पिछली लामहदूद ख्वाहिशात से तंग था, बिल्कुल नाक में दम आ चुका था। फौरी झगड़ा इस बिल पर हुआ और बात इस इंतहा तक पहुँची। ये बात करते करते वो रो पड़ा। सारी बात सुनकर मैंने सर झुका लिया और घर वापस आ गया। अल्लाह का शुक्र अदा किया कि मैंने अपनी फैमिली में किसी को इतना फ्री हैंड नहीं दिया। उस वक्त वो अलीहदगी याफ्ता बेटी अपने शादीशुदा भाई के 3 मरला मकान के ऊपर वाले एक कमरे में रह रही है। जब बिजली बंद हो तो उस कमरे में बंदा ऐसे हो जाता है जैसे भट्टी में दाने बुनते हैं। ना ऊपर वॉशरूम है, न किचन। बच्चे नीचे जाएं तो उनकी मुमानी थप्पड़ लगा कर ऊपर वापस भगा देती है। गोरी चिट्टी और सुर्ख और सफ़ेद 26 साल लड़की सिर्फ 1 साल में 50 साल की अम्मा नज़र आती है। सुना है किसी प्राइवेट स्कूल में 9-10 हज़ार की नौकरी भी शुरू कर दी है। अगर मेरी किसी बात या पोस्ट से किसी भाई या बहन की दिल आज़ारी हुई हो तो मैं इनसे माजरत करता हूँ। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर दें, ताकि इसी तरह की अच्छी सबक आमोज़ वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सकें। शुक्रिया।